हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि गाइस आपको एक ऐसा परेशानी के बारे में बताऊंगा जो हर भाई लोग झेलते हैं और हमारे इस एरिया में भी हुआ है, मेरे कबूतर में भी हुआ है। आप लोग, मैं वो वीडियो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे कबूतर को भी हुआ है, तो मैं भी उसको ये दवाई दिया हूँ तो वो सही हो चुका है। तो और भी भाई लोग मेरा एरिया में मेरे से पूछ रहे थे कि क्या इसका दवाई, तो उन लोगों को भी बोला हूँ, उन लोग का भी कबूतर का अच्छा रिजल्ट है, तो जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा तरह समझें, और इस वीडियो को पूरा देखेगा तभी आप समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो गाइस, ये जो बीमारी है वो जो बेसी क्लाइमेट चेंज होने के कारण होता है, जो कबूतर को सांस का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग मुंह फाड़ के सांस लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस उसका मुंह के अंदर तो वाइट जमना शुरू हो जाता है, जिसको जहरवाद बोलते हैं। तो उसके बाद ही ये सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसा दो ही दवाई बताऊंगा जो आप अच्छा से अगर सुनिएगा और अप्लाई करिएगा तो आपको बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो गाइस, पहला मेडिसिन आपको स्क्रीन में जरूर शो हो रहा होगा, इसका नाम गाइस मोनोसेफ है। तो ये गाइस इतना बड़ा गोली आता है, आपको ये आसानी से ह्यूमन मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये गाइस कोई जानवरों का दवाई नहीं, इंसानों का दवाई है। इसलिए इंसानों का दवाई से गाइस हम इलाज करने का बहुत ही ज़्यादा, जितना हो सके मैं इंसानों का दवाई से इलाज करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई के पास वेटनरी शॉप आसपास नहीं है, तो इसलिए उनके पास बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये सबसे अच्छा दवाई है मोनोसेफ, ये है इंसानों का दवाई, आप अगर इसको दीजिएगा। ये बड़ा गोली आता है, इस गोली का आठवां भाग, मतलब जब एक गोली का जब आप चार टुकड़े करेंगे तो चार टुकड़े में से एक टुकड़ा कभी आधा टुकड़ा करेगा तो होगा वो आठवां भाग। तो उस आठवां भाग का एक छोटा सा एक हिस्सा लीजिएगा, वैसे नहीं कबूतर का मुंह खोलिएगा और उसके अंदर डाल दीजिएगा। और एक गोली है गाइस, वो भी आपको दिखाता है, वो भी आपको स्क्रीन जरूर शो हो रहा होगा। तो गाइस, उस मेडिसिन का नाम मेटनिसोल है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, वो भी वो एक बहुत ही छोटा मेडिसिन आता है गाइस, इतनी वो आता है, उसका आपको दूसरा भाग, मतलब एक मेडिसिन का दो भाग कर लीजिएगा, दो भाग का जो एक भाग जो होगा वो भी, वो दोनों एक साथ खाना खिलाने के बाद गाइस, क्योंकि ये मेडिसिन हर एक दवाई डॉक्टर लोग भी बोलते हैं खाना खिलाने के बाद खिलाएगा तुरंत नहीं, 10-15 मिनट या आधा घंटा बाद ये दवाई को आप खिलाइएगा। और गाइस, ये दवाई बहुत ही ज़्यादा असरदायक है, क्योंकि ये गाइस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आपको बोले एक गोली का आठवां भाग और ये गोली का आधा हिस्सा उसको दीजिएगा। 4 घंटे के अंदर गाइस आपको इसका रिजल्ट दे देगा। और आप लोग तो भी गाइस इसको छोड़ना नहीं है, आप लोग सोचते होंगे कि दवाई खिला दिए हैं और वो ठीक हो गया अब छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं गाइस, इसका इस दवाई का कोर्स है गाइस 3 कोर्स, आपको 3 दिन आपको एक दवाई उसको खिलाना होगा, सुबह और शाम, ये दो दिन, एक दिन में आपको 2 बार खिलाना होगा। और ये अगर आप खिलाएगा तो आपका सा जो भी कबूतर का ये सब जो बीमारी है, जो वाइट कलर के अंदर जो जम जाता है, फिर जो सांस का बीमारी, वो सब सही हो जाएगा। 4 घंटे के अंदर इसका असर दिखाई देती है, लेकिन आपको दवा देने की एक नियम होता है, इसको नियम से आपको चलना होगा तभी आपका कबूतर सही होगा, क्योंकि मेरा भी वो बच्चा सही हो चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा, मैं आगे भी बोले, इस बार भी अभी भी बोला है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें छोटा सा क्लिप है, वो बच्चा का भी उसमें दिखाई, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा सांस खोल खोल के सांस ले रहा है, मतलब तो उसको भी हम सही किया। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और मैं अभी अपने कबूतर के अप्लाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर ये बात तो करिएगा। और गाइस, जो भी मेरे वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसे आप देख रहे हैं दोपहर का समय है गाइस, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, तो मैं भी अपने इस छावा में आके मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मेरे सारे कबूतर यहाँ पर बैठ के धूप सेक रहे हैं, वो छोटा सा बर्तन में गाइस लोग नहा लिया, इसे जाकर वह सब धूप सेक रहे हैं। तो गाइस, यहीं तक आज का वीडियो, आप लोगों को जरूर वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तब तक मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक में।